इवन वाइफ ने कंसीव कर लिया, लोहड़ी का फंक्शन निकल गया, वाइफ ने कंसीव कर लिया, तो एवरी मंथ हम लोग गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी से जब सेवंथ मंथ स्टार्ट हुआ तो मैं उस समय तक तो मुझे गुरुजी ने कभी बुलाया भी नहीं था, तो जिनके साथ हम लोग जाते थे उनको एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज गुरुजी को बोलो कि कुछ भी एक कपड़ा मुझे दे दें, टावल हो कुछ भी चीज हो, ताकि बच्चा जब भी जो भी बच्चा आएगा, बेटा हो बेटी हो, मैं चाहता हूं उस बच्चे को मैं सबसे पहले गुरुजी के उस कपड़े में लपेटूं। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, मेरी अपनी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे इसकी वाइफ की ना डिलीवरी होने वाली है, ये कहता तो गुरुजी से कि गुरुजी कुछ दे दो। तो गुरुजी अपने रूम में गए, रूम से वापस आए जब लंगर करके, तो गुरुजी कहते हाँ हाँ दमांगे, हजे टाइम नहीं आया। तो गुरुजी कहते टाइम नहीं आया, टाइम आऊंगा दमांगे। तो चलता रहा वो, उसके बाद वापस आ गए, गुरुजी ने कुछ नहीं दिया। तब एट्थ मंथ स्टार्ट हुआ, तो एट्थ मंथ स्टार्ट होते होते तो डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक सिटी स्कैन करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये नहीं पहले बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देन बाद में जाके बताया कि मुझे ना मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो जैसे ही हम लोग वहां पे गए तो डॉक्टर चेकअप कराया, उन्होंने जो बताना था जो रिपोर्ट बनाई डॉक्टर को दिखाया, उसने अपनी तरफ से पूरा एक बार करवाई, फिर दूसरी बार करवाई, तीसरी बार करवाई, बट उन्होंने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है, आप यू कैन टेक द डिसीजन कि इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, यानी एट्थ मंथ में जाके हमें ऑपरेशन करके इस बेबी को बाहर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वाइफ को यानी कि डिम्पल की लाइफ को भी डेथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर भी उन्होंने एक या दो दिन का टाइम दिया। तो कहते हैं ना गुरु पे विश्वास था, लेकिन उस तब तक गुरु से बात भी नहीं होती थी और कोई फोन भी नहीं होते थे, फोन नंबर भी नहीं होते थे। तो मैंने किसी अंकल को फोन किया, मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कहते बेटा आपको तो मालूम है कि गुरु जी रहते सिफारिश नहीं चल रही हैगी, गुरु जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो मैं कहा वो तो अंकल ठीक है, लेकिन अब गुरु जी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में हो, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ये बोला है कि बेबी को अबॉर्ट करवाना है और डिम्पल की लाइफ को प्रॉब्लम, मैं सिर्फ गुरु से इतना पूछ के बता दो कि मैं अबॉर्ट करवाऊं या ना करवाऊं या किस दिन करवाऊं। कहते ना हर एक चीज गुरु की मर्जी से होती है, बिना गुरु की मर्जी से कुछ नहीं होता। तो वो अंकल ने बोला अगर मैं अंकल शाम को जाऊंगा, अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं गुरु जी से बात करूंगा, अदरवाइज प्रॉमिस नहीं करता। लेकिन हार्डली 5 से 7 मिनट बाद उनका फोन आ गया कि अंकल बाई चांस मुझे गुरुजी का फोन आया था और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे लुधियाना से नरेंद्र का फोन आया था। देन कहते उन्होंने बोला एक छोटा सा जल कुछ सामान था, जल प्रवाह कर दे सब ठीक हो जाएगा। तो एक होप हो गई कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो करने के बाद ये था कि गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन डॉक्टर को दिखाने हैं, डॉक्टर कहता है इससे पहले कि ये ना हो कि बच्चे के साथ साथ आपकी वाइफ की भी डेथ हो जाए, आप यू कैन टेक द डिसीजन। चलते चलते फिर फाइनली तो उसको 8 से 9 दिन निकल गए। तो हम लोग अभी डॉक्टर साहब भी पुराने गुरुजी के भगत थे, उनको बोला कि ऐसे ऐसे है। वो कहते देखो रिस्क आपके हाथ में, ये ना हो कि एक लाइफ की जगह पे दोनों लाइफें चली जाए। तो फिर मैंने 8 दिन या 9 दिन के बाद या 10 दिन होने वाले थे, मैंने फिर उन अंकल को फोन किया, मैं अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, 10 दिन हो गए हैं और हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। देन तो मैं कहा अंकल अगर आप गुरु जी से पूछ सकते हो प्लीज मुझे एक बार पूछ के बता दो। तो कहते ना एवरीथिंग विद गुरु च्वाइस, गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते थे जो कुछ होता है आपकी लाइफ में मेरी मर्जी से होता है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता जब आप मेरी शरण में आते हो। तो गुरु जी के वो अंकल बिल्कुल पास खड़े थे, तो गुरुजी ने उनसे पूछा, कहते गुरुजी ऐसे से वहां से लुधियाना से फोन आया, उन्होंने ये पूछा, कहते उन्होंने पूछ कितने है, करे है आंटी को ले है। तो संडे का दिन था, तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैं क्या आंटी के पास, कहते गुरुजी कह रहे ने आंटी के पेट से हाथ रख। तो जैसे ही मैंने वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रखा तो इमीडिएटली बच्चे ने बाउंस बैक शुरू कर दिया। मतलब 9 से 10 दिन हो चुके थे, जिसको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था उसमें दोबारा मूवमेंट आनी शुरू हो गई। तो गुरु पीछे बोल रहे हैं हाँ कुछ की होया, तो मैं खुद शॉक था कि ये क्या हो गया। तो फिर उन अंकल ने फिर बोला, कहने अंकल गुरुजी पूछ रहे ने कि सब ठीक ठाक है की होया। मैं कहा अंकल उसने तो बाउंस बैक यानी कि किक मारनी शुरू कर दी है। तो कहना देख ला फिर गुरु दे हुंदे कमले को घबराने की लोड़ पई है, गुरु पे विश्वास बहुत जरूरी है, गुरु डामांडोल बहुत करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ,
करने के बाद वो 8th मंथ भी निकल गया, 9th मंथ भी निकल गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती ये तो करिश्मा है, इससे बड़ी गुरुजी की और क्या ब्लेसिंग हो सकती है, जो कहते हैं ना मुर्दियां भी जिंदा कर देने ने गुरुजी था। तो चलते चलते 9th मंथ खत्म हो गया, जब बेबी का सिजेरियन हुआ तो बेबी थी, लड़की थी, तो बेबी के बाद इमीडिएटली उसके लंग्स में वाटर चला गया और उसको आईसीयू में रखा। 3 दिन आईसीयू में रखने के बाद 3 दिन के बाद उसका फीवर उतरा और डॉक्टर ने बोला कि जितना था हमने इसका वाटर क्लीन कर दिया, अब ये आउट ऑफ डेंजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस चीज के लिए। तो डॉक्टर ने आधे घंटे के लिए मेरी मदर को दिया, 5 मिनट के लिए, मैं 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होगा शायद, मैंने 2 या 3 मिनट के लिए उस बच्चे को पकड़ा। तो शी सो क्यूट, जैसे डॉल होती है वैसी थी। तो मैं उसके जब मैं आने लगा तो मैं कहा गुरुजी ने इसको बहुत सारा ब्लेस किया है, तो मैं उसके कान में सिर्फ एक ही चीज बोल के आया था, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, 5 बार मंत्र बोल के मैं अपने घर पे आया हूं। तो जैसी अभी घर पहुंचे ही हूं, क्योंकि 2 या 3 दिन से सोके नहीं देखा था, जैसी आके अभी नहा के सोने लगा हूं, इमीडिएटली लैंडलाइन के ऊपर फोन आता है कि बेटी की डेथ हो जाती है, कि बेटी की डेथ होगी। मैं कहा कैसे हो सकता, अभी तो आउट ऑफ डेंजर थी, उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, फिर कैसे हो गया। जब वहां जाके देखा तो उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर कहते इमीडिएटली इसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और हार्ट फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो मैंने वाइफ को बोला कि आप एक बार देख तो लो बच्चे को। इसने बोला जब गुरु ने उस बच्चे को मेरे लिए नहीं दिया तो मैंने इसको देख के क्या करना है, इसकी शक्ल देख के मैंने क्या करना है, तो मुझे नहीं देखना। तो हमने जो जहां शमशान घाट में जाके बच्चे को दफनाते हैं जो कुछ करते हैं मैंने वो पूरे का पूरा किया। पूरा करने के बाद चलता रहा 15 या 20 दिन के बीच में, वाइफ रोती थी घर पे छुट्टी होने के बाद आ गई तो गुरुजी की फोटो के सामने बैठ के ना बहुत रोती थी ये। तो 20-21 दिन में कहते हैं ना बच्चा चला जाता, तो माँ के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती ही होती है, बाप के लिए भी होती है, फैमिली के लिए, लेकिन माँ से ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि उसने 9th मंथ तक उस बच्चे को अपने पेट में रखा। तो इन बिटवीन स्टिचेस के बीच में पस पड़नी शुरू हो गई, पस पड़ते पड़ते वो 1.5 से 2 किलो का गोला बन गया। डॉक्टर ने बड़ी बार कोशिश करनी कि मैं स्पॉट बना दूं, टैबलेट दी बहुत महंगी से महंगी के अंदर सूखनी शुरू हो जाए, कहती नहीं तो हमें एक माइनर ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तो 20-21 दिन निकल चुके थे, डॉक्टर ने बोला कि हम 1 हफ्ता 10 दिन और देखते हैं, नहीं होगा एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन करेंगे और जो जितनी पास है उसको थ्रू कर देंगे। तो ऐसे ही गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरी फोटो ना गलना करके देखो, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा, लेकिन आपका कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए, आप गुरु से बात करने का कनेक्शन चाहिए आपका। तो वाइफ लेटी हुई है बेड के ऊपर और गुरु से बातें कर रही है फोटो के बीच में, कहते गुरुजी बेटी आई वो भी चली गई, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और आ गई है, जो अभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे एक और माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी अब मैं अपना पेट को ही फड़वाती रहूं और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो रात को गुरुजी वाइफ के ड्रीम में आए, तो गुरुजी इसको किसी गांव में लेके जाते हैं, तो कहते हैं डिंपल एक काम कर, कड़ा बना, मटका बना, कहते चल मिट्टी का। तो गुरुजी समझाते हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, वो बनाती है फिर टूट जाती है, बनाती है फिर टूट जाता है। तो गुरु से छड शहरें तो उसका शहरी हूं, शहर वाले हूं, तुम्हें नहीं मालूम कि गांव मटका कैसे बनाते हैं। तो गुरु जी कहते मार्केट से एक मटका ले लेना, उसमें गुरु जी ने बोला पानी डालना है, आरती करनी है। गुरु जी ने एक आरती नोट करवाई, तो वो आरती ना तो ओम जय शिवकारा है, ना ओम जय गुरुदेव है, ना कोई और है, वो एक अलग ही आरती थी जिसके बारे में मेरे ख्याल से अभी भी वाइफ को कुछ याद नहीं है, एक भी वर्ड याद नहीं है, वो एक डिफरेंट आरती थी। कहते आंटी हिंदू धर्म के 43 दिन तक 1.25 महीने तक जे कोई जन्म हो जाए जा कोई मौत हो जाए अपा अपने घरे जोत नहीं जलांदे। कहंदे 21 दिन 22 दिन हुण इस अपने तेरे इस जो सजेरियन है जो पास है इथे रहेगी, अपा ऑपरेशन नहीं होन दिंदे। कहंदे टेंशन ना लै, कहंदे ऑपरेशन नहीं होन दिंदे, पर यह होगा 43 दिन तो बाद। कहंदे ना यह बधूगा ना यह घटूगा, मैं उन्हूं स्टेबल करता। कहंदे 43 दिन जदों पूरे होणगे इह आरती करनी है, इहदा पानी तू पीना है, जो पानी पिएंगी वो तो बात का कल्याण होगा। तो वो आरती इसको 20 से 22 दिन तक आरती पूरी याद रही। तो दिवाली से एक दिन पहले का शायद दिन था जिस दिन वो आरती करनी थी, आरती करके जैसे ही इसने वो पानी पिया तो पहले उस दिन कुछ नहीं, अगले दिन जब दिवाली से एक दिन पहले वो सेकंड डे पीना था, तो जैसे ही सेकंड डे पीने के बाद इसने वो पानी पिया तो नीचे से अपने आप पूरी की पूरी यानी कि पस पूरी की पूरी थ्रू हो गई। एक भी स्पॉट कहां से बना किसी को नहीं पता, 1.25 महीने तक स्पॉट नहीं बना, बट गुरुजी ने जो चीज बोली थी। और जैसी वो मटका नीचे रखा आरती करके, वाइफ को ये भी नहीं पता
कि मैंने क्या आरती की है, क्योंकि गुरु जी ने आरती इमीडिएटली वैनिश कर दी। कई बार हम लोग बोलते हैं कोई गुरु जी के सत्संग ड्रीम आते हैं, जो ड्रीम हम लोग भूल जाते हैं इमीडिएटली, वो भूलते नहीं है, वो गुरु जी भुला देते हैं उन ड्रीम्स को। तो उस दिन हमने जोत जलाई, जिस दिन वाइफ ने अपना आरती की तो हमने शाम को अपने घर पे मंदिर के बीच में जोत जलाई और मैं गुरु जी की फोटो के सामने बैठ के बहुत रोया। मैं कहा गुरु जी मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था कौन नहीं था, लेकिन उस बच्चे के कर्म, मेरी अपनी थिंकिंग ये थी उस बच्चे के कर्म इतने बुरे थे, वो आया 9 महीने यहां रहा, उसके बाद फिर उसको वापस दूसरी जूनों में जाना पड़ेगा। तो बहुत रोया, गुरु जी मुझे सिर्फ इतना टाइम दे देते, आप उस बच्चे को 1.25 महीने का टाइम दे देते ताकि मैं आपके दर्शन तो करवा देता ताकि उसकी अगली जून सुधर जाती। तो रात को फिर मुझे ड्रीम आता है तो देखता हूँ गुरु जी लाल कलर का चोला पहना हुआ है, जहां मैं सिंगल बेड के ऊपर लेटा हुआ था तो गुरु जी मेरे पीछे खड़े थे। पूरी कहें नरेंद्र उठ, तो मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, रात के 12:30 बजे। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी इस वक्त कितों, मैंने ऐसी बोला गुरु जी इस वक्त कितों, रात को 12:30 बजे ने, कहते आ चलिए पूछी जानी होता चलो चलिए। तो जैसे ही हम लोग, मैं गुरु जी का चला इमीडिएटली हमारे घर से लुधियाना से चले ड्रीम में ही, तो हम लोग इमीडिएटली उसी शमशान घाट में पहुंच गए जहां पे हमने बेटी को दफनाया था। तो जैसे ही वहां पहुंचे मैं कर रहा हूँ, गुरु जी खड़े हैं शमशान घाट में, गुरु जी कहा चल जल्दी दी कुड़ी बाहर गढ़। तो मैंने उस जगह को खोदना शुरू किया, खोदते खोदते वो बच्चे को बाहर निकाला, वही फेस उसका कपड़े से ढक के रखा हुआ था। तो गुरु जी ने ऐसे हाथ किया तो गुरु जी का एक हाथ हम दोनों हाथों को मिला लो, गुरु जी का इतना बड़ा हाथ था। गुरु जी कहा बड़ा कुड़ी मेरे हाथ रख जल्दी जल्दी। तो मैंने जल्दी जल्दी उस बच्चे को गुरु जी के हाथ के ऊपर रख दिया। तो गुरु जी जल्दी मुंह तो कपड़ा चुको नरेंद्र दे, तो मैंने उसके मुंह से कपड़ा था, शी जस्ट लाइक ए डॉल, कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो जस्ट सो रही है जैसे बच्चा सोता है, सो रही है, कुछ नहीं है, लिटरली वैसी डॉल। तो गुरु जी ने अपना दूसरा हाथ ऐसे किया, दूसरा हाथ किया, गुरु जी के हाथ में पानी आ गया, इस नॉट ए पानी इसे अमृत, गुरु जी ने ऐसे किया और उसके मुंह के ऊपर छींटे मारने शुरू कर दिए बच्चे के, उसने जोर जोर से बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर गुरु जी ने ऐसे हाथ किया तो फिर छींटे और जोर से मारे, फिर बच्चा जोर जोर से नहीं शमशान घाट में उसकी चीखें वो हो रही हैं। तो गुरु से नरेंद्र कुड़ी चाहिए है, देन मैं इमीडिएटली चुप, मैं कुछ नहीं बोला। कहते नरेंद्र कुड़ी चाहिए है, तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी। कहते कमले अज तो बाद इस कुड़ी पिछे नहीं रोना, कहते कहते नरेंद्र तेरी आंटी दी जा अक्षय दी थोड़ी तिना दे विचों एक बंदे दी डेथ लिखी हुई सी, वो थोड़ी डेथ नूं टालन पिछे मैनू थोड़े घरे कुड़ी पैदा करनी पैगी। कहते तेरे कर्मा दे विच कुड़ी है ही नहीं, तेरे कर्मा दे विच इक्को ही मुंडा लिखिया हुआ वो अक्षय है, कहते तेरा बस, कहते हो तेरे कर्मा दे विच कुछ है ही नहीं सी, कहते बच्चा ही नहीं है होर कुछ। तो कहते अज तो बाद इस कुड़ी पिछे नहीं रोना, कहते नरेंद्र कहते हजारां साल की तपस्या करनी पैंदी है महापुरशां नूं संतां महात्मां नूं ऋषि मुनियां नूं तां भी जाके कहिंदे किसे नूं मोक्ष नहीं मिलदा, तेरी कुड़ी 9 महीने दे विच मोक्ष लैके चलेगी कहिंदे मित्तो। और देखते देखते उसकी सोल उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है और जाके गुरु जी के चरणों में गुरु जी के यानी कि चरणों में जाके समा जाती है, जा कहिंदे ऐश कर तेरी कुड़ी नूं कल्याण करता तेरी कुड़ी नूं मोक्ष ब्लैस करता। तो अज तो बाद गुरु जी कहिंदे मेरे नाल रिहा करेगी। तो उस चीज को कंटिन्यूशन करने के लिए ऐसे ही गुरु जी ने एक बार वाइफ को ड्रीम दिखाया जब उसकी एज 4 या 5 साल की होगी उस बच्चे की, तो इसको क्या दिखाते हैं कि इसकी डेथ हो गई है मेरी वाइफ की और इसके पीछे जमदूत पड़े हुए हैं कि तुम आपको लेके जाना है। तो वो लेके जाने के लिए भागती जा रही है, पहाड़ों के बीच में जा रही है, नदियों के बीच में से निकल जा रही है, बहुत सारी चीजों के पहाड़ों के बीच में नदियों बर्फ के बीच में भागती जा रही है। भागते भागते फाइनली एक लॉन आता है, एक बाग आता है, उसके बीच में जैसे ही एंटर करती है वो बाहर रुक जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें लेके तो जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये अंदर भागती जा रही है कि देखा जाए अभी तो पीछे नहीं आ रहे, तो भागती 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 एंड फाइनल पे जाके क्या देखती है, एक छोटी सी बच्ची 4 से 5 साल की बच्ची होगी, पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। जब मैंने अपने बच्चे को जब दफनाया था उसके पिंक कलर के कपड़े ही पहने हुए थे, पहनाए थे हम लोगों ने, तो पिंक कलर की फ्रॉक पहन के वो बैठी हुई है, वो चेरी चेरी कलेक्ट कर रही है, चेरी तोड़ तोड़ के अपनी झोली में डाल रही है। तो वाइफ ने जाके पूछा कि एक चीज बताओ कि यहां पे मेरे गुरुजी रहते हैं वो कहां पे है। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही इशारा किया ऊपर की तरफ फिंगर की, वहां पहले कुछ भी नहीं था, देन एक सीढ़ियां चढ़ रही है, सीढ़ियों के ऊपर एक सिंगल रूम बना हुआ है। जैसे ही उसने ऊपर किया, वाइफ ने 12 सीढ़ियां लगा लो 10-12 सीढ़ियां होंगी, जैसे ही वाइफ ने आधी सीढ़ियां की पहुंची तो बीच में गुरुजी ऊपर से आ रहे हैं। गुरुजी ने ट्राउजर पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है और स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं और लोई ली हुई है।
तो गुरु जी कहते डिम्पल तू कितों आ गई। तो कहते गुरु जी वो ना ऐसे ऐसे वो मेरे पीछे जमदूत पड़े हुए हैं, कहते तेन लैके जाना तेरी डेथ हो गई। कमली कहते हजे कहते कितों तेन लै जाएंगे, हजे मैं ही नहीं जो जान देना। कहते ये मेरा एरिया है, इस एरिया विच कोई एंटर नहीं कर सकता। तो गुरु जी ने जस लेके जैसे कहना फादर अपने बेटी को गलबकड़ी में लेता है, बाजू रखता है, उससे प्यार करता है, उसको लेके नीचे आने लगे, बातें करने लगे। तो गुरु जी ये लड़की कौन है, कहते चली है। कहते मैं इन्हू बोलता जा जाके दुनिया ते जा, जाके दुनिया ते रंग मान। कहते नहीं गुरु जी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। तो मतलब गुरु जी ने उस समय कुछ नहीं बोला कि आप तुम्हारी बेटी है या क्या है क्या नहीं है। जब वो 11 साल की या 12 साल की हो गई, तो फिर गुरु जी ने एक दिन किसी हमारे पास ही दिल्ली में एक आंटी रहते थे, उनको ड्रीम दिखाते हैं कि 5 जुलाई को उनको ड्रीम दिखाते हैं कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं, क्योंकि 6 जुलाई में एम्पायर स्टेट गुरु जी का जन्म बर्थडे एम्पायर स्टेट में सेलिब्रेशन होता है, और 7 जुलाई को बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन होता था। कि 6 जुलाई को वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है, और गुरु जी के साथ, गुरु जी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ है, और गुरु जी के साथ एक पतली स्लिक स्लिम सी एक लड़की है, उसने पिंक कलर का पजामी सूट पहना हुआ है, और वो गुरु जी के साथ अरे टॉल लड़की है। तो गुरु जी सीधा गए अपने रूम में चले गए। जैसे रूम में गुरु जी गए तो उसके बाद वो लड़की भी साथ ही गई, और उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। तो गुरु जी कहते क्या, तो आंटी ने पूछा, आंटी जैसे प्रणाम किया, कहते आंटी ये लड़की कौन है, गुरु जी तो आपके साथ आई है, लड़की कौन है। कहते नरिंदर की कुड़ी 12 साल दी होगी, कहते कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होना है एम्पायर स्टेट च, मैं नाल लैके आया। कहते भी मेरा चल मैं तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। कहते अज इत्थे करांगे, कल असी बड़े मंदिर सेलिब्रेशन करांगे। तो गुरु जी ने ये चीज प्रूव कर दिया कि बेटी मेरे पास ही है, बेटी कहीं नहीं गई। तो मतलब आपको विश्वास बहुत जरूरी है, डजंट मैटर कि नई संगत पुरानी संगत। तो ये गुरु जी की एक बनाई हुई लीला है, हम लोगों ने बनाई हुई लीला, इट्स नॉट गुरु की लीला, हम लोगों ने बनाई हुई है कि ये पुरानी संगत है या नई संगत। सिर्फ यहां पे एक ही चीज है, कनेक्शन, आपका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है। तो जितनी सेवा आप करते हो उसका फल आपको गुरु जी जरूर देते हैं। अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे ग्रहण करना चाहते हो। गुरु जी कहते जब मेरे पास आते हो तो अपने बर्तनों के मतलब अपनी भक्ति का जो बर्तन है उसको बड़ा करके आया करो, ताकि मैं कुछ डाल सकूं। कहते लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं, तो ऐसे ही गुरु जी के पास हम लोग एक दिन मंडे का दिन गुरु जी के पास बैठे, कई बार हम लोग बोलते थे कि नई संगत हम तो बहुत गुरु जी के क्लोज थे, बहुत प्यार, बहुत गुरु जी ने प्यार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया। तो मैं और वाइफ दोनों मंडे का दिन गुरु जी सोफे के ऊपर एम्पायर सेट पे लेटे हुए थे, और वाइफ गुरु जी के पेट की मालिश कर रही है और मैं गुरु जी के चरणों की सेवा करता हूँ। कहते ना जब आपको गुरु जी ने कोई आंसर देना होता है तो आपको अपने आप बुलवाते हैं। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे आपके चरणों की, यानी कि आपके चरणों की मिट्टी मिल गई। तो ही से हैं ये कहना, मैं गुरु जी मेरी किस्मत इतनी चंगी नहीं सी कि मैं तुहाडे चरणा की मिट्टी हाँ। मेरे चरणा की नरेंद्र जी बहुत दूर दी सोच ली, तुस्ता हाजे मेरी जो असली संगत है, मेरी पक्की संगत है, उसके चरणों के भी धूल नहीं हो। बहुत टाइम लगना, कहे नरेंद्र हता बहुत वार लाइन च लगेगा, बहुत वार लाइन चो बाहर निकलेगा। तो ये सारी संगत के लिए एप्लीकेबल है कि कितनी बार हमें बाहर निकाला जाएगा, कितनी बार हम लोग उस क्यू में एंटर करेंगे। ही से गुरु पे विश्वास रखना, तो मैं इस क्यू में कभी ना कभी जब तुम्हारा टर्न आएगी तो तुम्हें पक्की संगत में एंटर कर। पक्की संगत मीन जो 1 और 3 और 1 2 3 लेयर्स हैं, वो जब भी गुरुजी अवतार लेंगे तो वो संगत साथ आएगी ही आएगी। तो हम लोग तो हम सब कच्ची वाली क्यू में चल रहे हैं अभी, बहुत कम संगत है जिसको गुरुजी ने पक्की संगत में एंटर किया। तो ही से ए टाइम चलता है। कहते ह्यूमन क्या करता है, जो किया मैंने किया, अपनी मेहनत से किया, लेकिन जब छोटा सा भी कांटा चुभता हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु जी मैं तो आपके पास जा रहा था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई। ही से कमलिया गुरु ब्लेस करने लिए बैठा हुआ है, गुरु बुरा करने के लिए नहीं बैठा, ठीक है। तो चलते चलते गुरु जी ने फिर बताया, कहते जब मैं देता हूं तो संगत बड़ी खुश होती है, संगत ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। कहते कभी कभी मेरा मन भी तो करता है ना कि मैंने इसको इतना कुछ दे दिया, मैं भी तो टेस्ट करूं ये मेरे लिए क्या कर सकता है। कहते जो असी टेस्ट करते हैं तो कहते बड़ी बड़े लोग संगत भाग जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इज अ हार्ड मास्टर, ये तो बहुत हार्ड मास्टर है, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु जी एग्जाम भी लेते हैं। कहते टीचर के पास भी जब आप क्लास में जाते हो तो टीचर भी 1 साल के बाद आपका एग्जाम लेता है कि कौन सा बच्चा किस क्वालिटी का है, किस स्टेज के ऊपर है,
वो पास करने की काबिल है कि नहीं है, कौन फर्स्ट आने वाला है। तो कहते यही मेरा काम है, कहते मैं भी तो चुन चुन के, कहते करोड़ों के विचों एक बंदा मेरी पक्की संगत विच एंटर हुंदा वै, अदरवाइज मैं हर एक दिन नींबू दियां फलां वांगू निचोड़ देना। कहते हर एक एग्जाम चलते हैं यहां पे, ये ना सोचो कि एग्जाम नहीं चलते, एग्जाम हर एक के हैं। डजंट मैटर वो नई संगत है वो पुरानी संगत है, नई संगत के एग्जाम बहुत कम है लेकिन पुरानी संगत के एग्जाम आज की डेट में चल रहे हैं। देन चलते चलते हम लोग, गुरु जी ने फिर मुझे बोला, कहते नरेंद्र रब नू मिलन दियां, गुरु नू मिलन दियां, पूर्ण परमात्मा नू मिलन दियां नौ पौड़ियां होंदियां ने, नौ सीढ़ियां होंदियां ने, मैं आठ सीढ़ियां सबको चढ़ाता हूं, चाहे वो जो भी मेरे पास आएगा उसको आठ सीढ़ियां जरूर चढ़ाता हूं मैं। आठ सीढ़ी, जब वो आठ सीढ़ी चढ़ता है वो क्या बोलता है, मैं गुरु गुरु मैं, मैंने ही तो गुरु को पाया है और कोई तो गुरु को समझ नहीं सकता। क्यों इसे मैंने मैं ही समझिया, कहते हो किसी ने समझा ही नहीं गुरु, मैं ही तो गुरु के क्लोज हूं, मेरे से क्लोज कौन हो सकता है। गुरु जी कहते फिर मैं क्या करता हूं, उसकी जीव के ऊपर बैठ जाता हूं, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, फिर वो गुरु को बोल जाता है, फिर वो क्या बोलता है, मैंने इतनी भक्ति कर ली गुरु जी दी, जो मैं बोलता हूं वो सच हो जाता है। कहते बोलने वाला कौन, गुरु, करने वाला कौन, गुरु, लेकिन उस समय मैं आ जाती है, मैं ही तो सबसे क्लोज हूं, मैं ही पूर्ण, मैंने ही गुरु को समझा। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते नरेंद्र कौन साडे नेड़े, सारे साडे नेड़े, सारे सातों दूर। कहते ना सातों कोई नेड़े, ना सातों कोई दूर, ना असी किसे नेड़े, ना असी किसे दूर, मैं सबके नजदीक हूं, सबके दूर हूं। तो मेरे तो भक्ति का है, मैं तो भक्ति भक्ति दे बस चा, कहने होर कुछ मेरे हाथ च नहीं है, जो जिन्नी भक्ति करेगा मैनू खट के लै जाएगा, मैनू पाके लै जाएगा। तो गुरु कहते नौ सीढ़ियां, जैसे ही मैं नौ आठ सीढ़ियां चढ़ा करता हूं तो संगत में मैं आ जाती है। कहते फिर मैं नौवीं सीढ़ी चढ़ाता हूं, मैं कहा नौवीं सीढ़ी जैसे वो चढ़ने की कोशिश करता है तो मैं आठ के आठ नीचे वाले फौड़े तोड़ देता हूं, फूप तोड़ देना। कहते मैं, कहते फिर वो हवा में चूलता है। कहते मैं उसे बोलता हूं लै पुत्र नौवीं सीढ़ी चढ़। कहते नरेंद्र नौवीं सीढ़ी पता की होंगी है। मैं कहा नहीं गुरु, नौवीं सीढ़ी मैं दी, इक्वल दी, नौवीं सीढ़ी मैं दी। कहते मैं दी सीढ़ी बड़ा बड़ी संगत नहीं चढ़ सकती, जिसको गुरु चाहेगा वही नौवीं सीढ़ी पार कर सकता है, अदरवाइज कोई भी संगत नौवीं सीढ़ी पार नहीं कर सकता। करोड़ों के विचों एक बंदा हुंदा नरेंद्र जड़ा नौवीं सीढ़ी चढ़ता है। कहते महापुरुषों की चाकरी महाकरड़ी महासुखसार, गुरु पीरां की चाकरी महाकरड़ी महासुख, यह बहुत औखी है, ये जो चाकरी है बहुत औखी है, ये उन्ना तक ही वधिया लगती है जिन्ना तक अपनी वाहवा हुंदी है। जब गुरु एग्जाम लेने पे आता है तो सब निकल जाता है। इसे जड़े साडे रस्ते ने ना बहुत खतरनाक रस्ते ने, ये नंगियां तलवारां ने, ये कक्के रेते ते चलन वाले रस्ते ने, इत्थे कंडियां ते चलन वाले रस्ते ने। कहते आप 99.999% भी मेरी भक्ति के रस्ते पे चल पड़ोगे ना, मेरे इतने पास पहुंच जाओगे, 0.001% पे जाके भी फेल हो सकते हो। इसलिए यहां पे एक ही संगत कमा के लेके जा सकते, जितना नीमा होके चलोगे उतना आप गुरु को पाके चलोगे। जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओगे, सत्संग पे भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, क्यों, वहां पे सिर्फ हमें गुरु से मिलना है, गुरु से विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम गुरु को समझ ही नहीं सकते। अदरवाइज नोबडी कैन सरेंडर टू गुरु जी, कोई भी उनको सरेंडर नहीं कर सकता, सिर्फ जिसको गुरु जी चाहेंगे वही सरेंडर कर सकता है, वो भी करोड़ों में एक होता है। तो गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी आज की डेट में भी यहीं बैठे। लास्ट बॉट नॉट लीस्ट, लास्ट ईयर जैसे कोरोना शुरू हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बड़ी फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे ही हम लोग सरिता बिहार में रहते थे, तो मई के बीच में गुरु जी ने, मई या जून में, तो मैं ऑफिस जाने के लिए, हमारे पास बने हुए थे, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, तो अभी मैं ऑफिस चला गया। तो वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं दिन में, दिन का टाइम था, वाइफ लेट गई, तो लेट के ड्रीम दिखाते हैं कि गुरु जी एंटर कर रहे हैं घर में। तो जैसे गुरुजी एंटर किए, जोर जोर से कोई गेट खड़का रहा है, जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि डोर बेल बजाई है, किसी ने और बजाई है। तो गुरुजी ड्रीम में भी आते हैं, तो गुरुजी तो ड्रीम में आके भी डोर बेल ही बजाते हैं प्रॉपर आपके घर की लॉक खुलवाने के लिए। वो तो वैसे भी आ सकते हैं, कहीं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन डोर बेल बजाते हैं, सब कुछ प्रॉपर ढंग से एंटर करते हैं। तो जोर जोर से एकदम गेट खड़का रहे हैं, तो वाइफ ने जाके देखा कि गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी कहा आंटी डिम्पल जल्दी से गेट खोल। तो जैसे गेट खोला, गुरुजी गए और अपने टू सीटर लगा हुआ है, गुरुजी उसके वहां पे आके लेट गए। तो मैं भी वहीं पे हूं, तो मैं गुरुजी का पांव प्रेस कर रहा हूं ड्रीम में, वाइफ के, और गुरुजी के हाथ वगैरह प्रेस कर रही है। तो
कहते गुरुजी कुछ नहीं बोला इसने, तो गुरुजी ने बहुत सारी बातें की, हंस रहे हैं देन एक छोटी सी पीढ़ी है हम लोग नहीं लेके आए थे, तो गुरुजी उससे उठे और जाके पीढ़ी के ऊपर विराजमान हो गए। पीढ़ी को बताने बहुत बढ़िया पीढ़ियां बनाई ने, तो बातें बोलते चंगा डिपल नमस्ते चल दे ऐसे, तो गुरुजी चले गए। तो उसने आंखें खोली, तो मैं जब शाम को अपने ऑफिस से वापस आया तो नीचे अंकल एक अंकल मिले जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, कहते नरेंद्र अंकल थोड़ा ध्यान से जाना, आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे कि ग्राउंड फ्लोर पे उन अंकल को फैमिली में दो मेंबर्स को कोरोना हो गया है। तो मतलब गुरुजी उसके आने से पहले हम लोगों को मॉर्निंग ब्लेस करके चले गए, मे बी वहां यहां से वो ऊपर लेके आते वो कोरोना ऊपर आता पूरी सोसाइटी में आता, लेकिन गुरुजी ने आके कहना जोर जोर से गेट क्या खड़काया, गुरुजी ने उसको पूरे का पूरा ब्लेस कर दिया। तो यही गुरुजी की लीला है गुरुजी को ब्लेस करने का। तो ऐसे ही हम लोग ड्रीम के इसके बीच की बात है कि एक दिन सत्संग चल रहा था कोरोना के बीच में, गुरुजी ने एक अच्छी आदत करवा दी कि गुरुजी एवरी सैटरडे एक सत्संग होना शुरू हो गया हमारे यहाँ पे। तो हाँ दो या तीन फैमिली हम लोग दिल्ली में बैठते थे, तो बैठते बैठते एक दिन गुरुजी का एक आंटी है हमारे यहाँ पे, उनको क्या दिखाते हैं समाधि में जैसे बैठे, तो गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान बैठे हुए हैं और गुरुजी के साथ एक लड़की बैठी हुई है जिसने बहुत ही अच्छे लहंगा पहना हुआ है, इसे फुल ऑफ बीड्स एंड फुल ऑफ मोतीज, बहुत दूर तक वो लहंगा है पहला, बहुत ही पतली सी और बहुत ही सुंदर लड़की गुरुजी के साथ बैठी है। तो उनको समझ में नहीं आ कि कौन है कौन नहीं। तो अराउंड 8 बजे के आसपास वाइफ ने गुरुजी को जूस सर्व किया, जूस सर्व करके आके बैठा क्योंकि अभी लंगर का टाइम है, लंगर गुरुजी को प्रसाद लगाने का टाइम है, अभी 8:15 लगाना है। तो इमीडिएटली जैसे ही बैठे तो इसकी समाधि लगी, आंखें बंद की तो समाधि लगी। समाधि कहते हैं ना गुरुजी, समाधि का कोई टाइम नहीं होता कि मैंने कब लगवानी है। चलते चलते गुरुजी ने दिखाते हैं, गुरुजी एंटर करते हैं हमारे घर में और गुरुजी ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई है, रेड कलर की पजामी पहनी हुई है और रेड कलर का गुरुजी ने ऊपर स्टॉल लिया हुआ है। तो गुरुजी सीधा जाते हैं और अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं तो जाके बैठे तो डिम्पल को बुलाया, डिम्पल उड़े कहते हाँ जी गुरुजी, कहते आज ना, तो बातें बूते करने लगे डिम्पल से, कहते डिम्पल आज ना बेटी ने लंगर नहीं बढ़िया बनाया, लंगर के नमक और मिर्च बहुत घट है। तो अगे ने समझा भी मेरे लंगर के बीच ना नमक मिर्च अपनी मर्जी ना पावे, मेरी मर्जी ना पावे, मेनू पता मैं किन्ना पुआना है किन्ना नहीं पुआना। तो अभी तो लंगर का भोग भी नहीं लगा, हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट तो करने का बहुत दूर की बात है कि कम होगा ज्यादा होगा ये गुरुजी को पता है। तो कहते बेटी ने कहा थोड़ा जा हाथ खुल के रखा करे लंगर के बीच, हाथ टाइट ना करके रखा करे। तो चलते चलते गुरुजी से एक काम कर डिम्पल, आज मेरे लिए ना दो मिर्चा वाली परौंठियां बनवा दी ताकि मैं रोटी लंगर प्रसाद स्वाद ना खा लूं। तो कहते ठीक है गुरुजी, मैं जैसे आप बोलते वैसे ही बना दूंगा। अभी ड्रीम में से सब चीजें ड्रीम में यानी मेडिटेशन में ही बातें चल रही हैं सारी कुछ। मेडिटेशन में करते करते बच्चिया नु कह, मेरे बेटे को और उसकी वाइफ को, दोनों को बोलो मेरे पास आके बैठ जाए, यहां लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आके बैठ जाए। तो जैसे वो वहां जाके बैठे तो गुरुजी के साथ गणपति जी बैठे हैं और वो जो लड़की थी वो दुर्गा माता थी, वो शेरा वाली माता थी। गुरुजी ने उस समय अपनी पूरी फैमिली दिखा दी, मैं शिव पार्वती और गणपति तीनों तुम्हारे घर के घर में पहुंचे हुए। तो वो माता खड़ी है तो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिया उनको, मेरे बेटे को समाधि लगानी टोटली बैन है कि वो आंखें नहीं बंद कर सकता, जैसी आंखें बंद करता है वो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाता है गुरुजी से। तो गुरुजी ने बोला अभी एज नहीं है तेरी, कहते हैं ना समाधियां जान दी भी एज होती है, समाधि में चले तो जाओगे लेकिन समाधि से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, पूर्ण गुरु की सानिध्या में ही समाधि लगानी चाहिए क्योंकि समाधि में चले तो जाओगे वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, अगर कई बार वापस नहीं आते तो आपकी डेथ तक हो सकती है। तो फिर गुरुजी ने वहां पे दिखाया कि गुरुजी ने फिर माता जी को बोला, दुर्गा माता को बोला कि बेटे के सिर के ऊपर अपना हाथ रखो और इनको आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने उनकी सिर के ऊपर हाथ रखा तो जब लंगर प्रसाद गुरुजी को दे रख दिया, वही हरी मिर्चों की परौंठी बना के रखी, उसके बाद वही लंगर पूरी संगत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो लंगर बिल्कुल फीका था, ना उसमें नमक थी ना उसमें मिर्च थी, लेकिन गुरुजी ने वो लंगर के बारे में पहले ही बता दिया था कि क्या है। लेकिन वहां पे घूम फिर के वही है, आप ये ना सोचो कि गुरुजी भोग लगाने नहीं आते, गुरुजी चाहे आप चाय प्रसाद लगाते हो, चाहे आप लंगर प्रसाद लगाते हो,
कहते हैं ना, हर एक सत्संग पे पहुंचते हैं, चाहे मिनटों के लिए पहुंचे चाहे सेकंड्स के लिए पहुंचे, तो गुरुजी हमेशा आते हैं, उनके बेअंत रूप है। आप ये ना सोचो कि एक जगह सत्संग हो रहा है तो गुरुजी दूसरी जगह नहीं जाएंगे, उनके इतने रूप हैं कि वो एक सेकंड के बीच में हजारों जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो ही इज वेल देयर, वो कहीं नहीं गए, सिर्फ वहां पे एक ही चीज है, विश्वास, श्रद्धा। वो कहते ना ओले पारे विच गुरु जी हम लोग कमा के ले सकते हैं, उनको जितना दिमाग लगाएंगे वहां की ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, उतना हम संगत में पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज है वहां पे, जितनी विश्वास और श्रद्धा और सिंपलिसिटी में गुरु जी को पाके जाओगे कोई नहीं, वहां दिमाग ना लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे उतना पीछे चले। क्यों? गुरु जी हमेशा बोलते तेरे गुरु दी माया सब नो खतरनाक माया, मेरी माया दे बिच्चों दा ब्रह्मा विष्णु महेश मां पार्वती नहीं पार पा सके, तुसी लोग की पालो, तुसी लोग तां गंदी नाली दे कीड़े हो, मैं तुहानू कचरे चो कढ़न लई आया वहां, लेकिन कचरे का जो कीड़ा होता है वो कचरे में रह के ही खुश होता है, वो कभी भी साफ पानी में जिंदा नहीं रह सकता। गुरु कहते गुरुआ को आने मन साफ करके रखा करो, अपने आप को क्लीन करना सीखो। गुरु के पास है 10% भी तुसी अपने कर्म की ओर कर लेना, 90% तो मैं आपके कर्म क्योर कर रहा हूं, जब भी आप मेरी शरण में आते हो मैं 90% आपके कर्म क्योर करता हूं, लेकिन 10% भी हम अपने कर्मों में, आधा परसेंट तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी उसमें क्योर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु जी का प्रसाद खाते हैं, तो गुरु जी हमारी सारी ब्लेसिंग्स, हमारी सब कुछ दे देंगे, हमारे सारे बुरे कर्मों को काट देंगे। वो तो बैठे हैं, इसे आप अपने कर्मों को तो साफ करना सीखो, मैं तो बैठा हूं, मैं तो हर एक चीज क्लियर करूंगा, लेकिन तुम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो सरेंडर इज नॉट पॉसिबल, सरेंडर सिर्फ गुरु ही करवा सकता है। विश्वास बहुत जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर आपका गुरु के ऊपर विश्वास है, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो आप गुरु को बहुत जल्दी पाके चले जाओगे। ये ना सोचो कि नई संगत है, पुरानी संगत है, कहते यहां तो जन्मों का हिसाब चलता है। तो गुरु जी हमेशा बोलते थे मेरी बॉडी को टच करने के लिए 80 ह्यूमन बॉडियां लेनी पड़ती हैं, तब आप मेरी बॉडी को टच कर सकते। थैंक यू जी, जय गुरु जी।